चलो डिस्कस करते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। जिवें पहला भी दस्या जिहड़ा कॉकरोच है उहदे कोई अपना वेल डिवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होएगा, जस्ट ओनली ट्रैक्ट होएगा। जिहड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उहदे विच मेनली की होणगे, स्पाइरिकल्स एंड ट्रेकियास। स्पाइरिकल्स एंड ट्रेकियास ते जिहड़े ट्रेकियास ने वो अगे फर्दर होर छोटे छोटे ब्रांचेस दे विच डिवाइड होणगे, जिन्हों आपां स्मॉल ट्रेकिया और ट्रेकियोल्स कहांगे। ठीक है, हौली हौली अगे चलूंगे तुहानू पता चलता जाएगा। सब तो पहला देखो, हुण देखो जिहड़ा अपना ट्रेकिया है, ठीक है, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकिया। की है? लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकिया है। अगे ध्यान दे दो, ये ट्रेकिया है इन्हों आपां कहिंदे आ लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक। लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक, ये जो ट्रेकियाज ने ये तीन टाइप के होंगे। ठीक है, एक होएगा डोरसल, वेंट्रल एंड एबडोमिनल। एबडोमिनल, डोरसल, वेंट्रल एंड एबडोमिनल या लैटरल कह दो। ठीक है, लैटरल ट्रेकिया भी कह दें। ठीक है, होएगा कि जे सपोज करो एक कॉकरोच की बॉडी है, देखो कॉकरोच की बॉडी है, देख रहे हैं, खड़े हो जाओ देख लो। ठीक है, एक कॉकरोच की बॉडी है। ठीक है, इस कॉकरोच की बॉडी के ऊपर जिहड़े इस तरह के ट्रैकियल्स होंगे, ठीक है, इस तरह जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल्स होंगे, इन्हों आप कहते डॉर्सल ट्रैकिया। की कह देंगे? डॉर्सल ट्रैकिया। तो किन्ने होंगे? दो पेयर के विच। किन्ने होंगे? दो पेयर के विच। जे इधर है तो इधर भी तो होएगा ना। ठीक है, जे इधर है तो इधर भी होएगा पेयर के विच। ठीक है, यह है डॉर्सल ट्रैकिया। उस तो बाद एक होएगा लैटरल ट्रैकिया। की होएगा? लैटरल ट्रैकिया, जो कि जे सपोज करो ये अपना डॉर्सल है, देन एक ही होगा लैटरल ट्रैकिया, जो बॉडी के नाल नाल मूव करेगा। ठीक है, जे अपनी बॉडी है, ठीक है, जे ट्रैकिया अपने इस साइड है, ठीक है, ये वेंट्रल सर्फेस हो गया, ये डोरसल हो गया। जे ट्रैकिया अपने पिट के पीछे है, वो की है? डोरसल ट्रैकिया। जे इधर पासे है, दैट इज वेंट्रल ट्रैकिया, ते जे इस पासे है, दैट इज लैटरल ट्रैकिया। ते डोरसल ते जरा वेंट्रल ट्रैकिया है, ठीक है, ये आपस दे विच कनेक्टेड होंगे। की होंगे? कनेक्टेड होंगे बाय द ट्रांसवर्स ट्रैकिया। बाय द ट्रांसवर्स ट्रैकिया मीन्स आपस दे विच की होंगे? मिले होंगे। ठीक है, एक ट्रेकियल आपस दे विच मिलेंगे, इस तरह एक नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे। उस तो बाद देखो जरा अपना ट्रांसवर्स ट्रेकिया है, मेन लार्ज ट्रेकिया होएगा ये अपना। ये जरा अपना मेन लार्ज ट्रेकिया है, इन्हें की करना है? आगे जाके फर्दर डिवाइड होना है। एक मेन लार्ज ट्रेकिया ने की करना है? दो स्मॉल ट्रेकिया विच कन्वर्ट हो जाना है। ये जरा स्मॉल ट्रेकिया है, आगे जाके इन्हें फर्दर हो डिवाइड करना है, छोटे छोटे ट्रैकियोल्स बना लेने हैं, जिन्हें की कहना पूरे बॉडी के विच अपना नेटवर्क बना लेना है। ठीक है, तो हर एक ट्रैकियोल जो जो कि एंड होएगा एक ट्रैकियोल सेल्स के विच, वो जाके टिश्यूज नू इनवेट करेगा। टिश्यू की करेगा? इनवेट करेगा, टिश्यूज के विच इनवेट करेगा। समझ लो, ये है, इन्हें की करना है? छोटे छोटे ट्रैकियोल्स के विच डिवाइड हो जाना है। छोटे ट्रैकियोल्स के बीच की करना है? डिवाइड कर जाना। ठीक है, तो इन्हें जाके की करना है? आगे जाके टिश्यूज नु स्कैन, टिश्यूज है, इस टिश्यूज नु जाके इन्हें की करना है? जॉइन कर लेना। टिश्यूज में की करेगा? जॉइन कर लेगा। इस तरह जरा अपना ट्रैकिया है, मेन लार्ज ट्रैकिया है, ये एंड की भी होगा एक ब्लाइंड ट्रैकियोल के बीच, मीन्स ये भी आगे जाके कोई ओपनिंग नहीं होगी। ठीक है, जो स्मॉल ट्रैकियोल्स है यदि जाके कोई ओपनिंग नहीं होगी, इतने जाके बंद हो जाएगा। ठीक है, टिश्यू के विच इनवेड कर, टिश्यू के विच चला गया, पेनिट्रेट कर गया, जब पेनिट्रेट कर गया दैन उसकी कोई ओपनिंग होएगी नहीं, इसलिए आप की कहने ट्रैकियोल्स नू ब्लाइंड ट्यूब्स। की कहने? ब्लाइंड ट्यूब्स। हुण आप आ जाइए इहदे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ते। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ते, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। सिंपल इस करके कि ये कोई ऑर्गन तो है नहीं,
कोई स्पेशल एक्सचेंज होवे या कोई होर रोल प्ले करे। बहुत सिंपल है, जिधर ट्रैकियोल्स ने, ये जो ट्रैकियोल्स ने, इस ट्रैकियोल दे विच की होएगा, आ देखो, ये जो अपने ट्रैकियोल्स ने, इस ट्रैकियोल दे विच कुछ फ्लूइड फिल्ड होएगा, क्यों होएगा? फ्लूइड फिल्ड होएगा, जिमें अपने लंग्स दे विच फ्लूइड है, एल्वियोलर फ्लूइड्स कह देने हैं, जिधे विच ऑक्सीजन दे कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो सकता है, ऐसे तरह ट्रैकियोल सेल दे विच की होएगा, कुछ फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, जिन्हों आपां कहने ट्रैकियोल्स फ्लूइड्स, की कहांगे? ट्रैकियोल्स फ्लूइड्स। तो जदों कॉकरोच जो है रेस्टिंग फेज दे विच होएगा, ठीक है, मीन्स रेस्टिंग कॉकरोच का मतलब है ज्यादा कोई एक्टिव मूवमेंट्स वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जे कॉकरोच कोई काम नहीं कर रहे हैं मीन्स उन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होगी, ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ेगी। इस करके सिंपल है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, स्पाइरिकल के थ्रू आएगा एट्रियम के विच, ठीक है, ये जो लार्ज मेंट रखे एट्रियम के विच आएगा, एट्रियम तो ये जरा ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होकर चला जाएगा अपना अगे पास होकर चल जाएगा ट्रैकिया के विच, छोटे छोटे ट्रैकियोल्स के विच डिवाइड हो जाएगा, तो ट्रैकियोल्स तो होंदे हुए ये पहुंच जाएगा ये ट्रैकियोल्स फ्लूइड की, ठीक है, जरा ऑक्सीजन है डायरेक्टली कि कंबाइन करेगा या डिजोल्व हो जाएगा ट्रैकियोल्स फ्लूइड के विच, ऑक्सीजन वाटर डिजोल्व है, वाटर डिजोल्व हो जाएगा ना ऑक्सीजन, ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन जो है ये विच डिजोल्व हो गया, जिमें डिजोल्व हो गया ऑक्सीजन की करेगा टिश्यूज फिर तो आप इस फ्लूइड तो निकल के पहुंच जाएगा टिश्यूज दे विच या सेल्स दे विच चला जाएगा, टिश्यूज या सेल दे विच चला जाएगा, इस तरह सिंपल डिफ्यूजन होएगा ऑक्सीजन का। इसी तरह ही जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया सेल तो, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें कंज्यूम किया फूड नो ऑक्सीडाइज करने लिए, जिमें ऑक्सीडाइज करता कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, कार्बन डाइऑक्साइड फिर टिश्यूज फ्लूइड दे विच डिजोल्व होएगा, उस तो बाद क्या होगा ट्रैकियोल्स फ्लूइड दे विच आएगा, उस तो बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस स्पाइरिकल ट्रैकियोल्स ट्रैकिया एंड स्पाइरिकल तो बाहर, ठीक है, ये तो हो गया रेस्टिंग फेज दे विच। हुण आपां आउने आ जदों कॉकरोच रन करेगा भजेगा, जदों कॉकरोच रन करता है या भजदा है, ठीक है, उस टाइम ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तुसीं भी देखते हो जदों तुसीं रनिंग करते हो, ठीक है, तुहानूं किन्नी किन्नी जल्दी सांस चढ़दा है, बार बार सांस लैंदे हो छड़दे हो सांस लैंदे हो ना, ठीक है, इसे तरह ही जदों कॉकरोच भजेगा, ठीक है, इस तरह इन्हें बार बार सांस लेना है ते छड़ना है, ठीक है, इस केस दे विच की होगा जदों कॉकरोच बार बार रन करेगा, जदों कॉकरोच रनिंग फेज दे विच होएगा बहुत एक्टिव फेज दे विच होएगा, उस टाइम की होएगा दो चीज होंगे, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपायरेशन, की होएगा एक इंस्पिरेशन ते की होएगा एक्सपायरेशन। जे इंस्पिरेशन मतलब की है ऑक्सीजन का अंदर जाना, ठीक है, स्पाइरिकल तो लेके टिश्यूज तक, ते एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन का मतलब की है टिश्यूज तो स्पाइरिकल तो बाहर आना कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो जो इंस्पिरेशन होएगा मीन्स ऑक्सीजन अंदर जाएगा दैन बॉडी के जिन्हें भी स्पाइरिकल्स होंगे 20 से 20 वो होंगे ओपन, की होंगे ओपन 20 से 20 की होंगे ओपन होंगे, लेकिन जो एक्सपायरेशन होगी जो की होगी एक्सपायरेशन होगी दैन सिर्फ ओनली एक दो फर्स्ट टू पेयर्स ऑफ द स्पाइरिकल्स ये होंगे ओपन, बाकी साइड रहेंगे क्लोज, मीन्स ऑक्सीजन वो तो वो अंदर जाए लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कट तो कट बा मतलब ईजली पास हो जाए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए पहला ऑक्सीजन ज्यादा ले लिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा एक या दो पोर तो ही बाहर जाएगा बाकी सारे रहेंगे क्लोज, ठीक है। जब ये फेस करेगा इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, इस दौरान की होगा जो एबडोमिनल मसल्स ने, ठीक है, एबडोमिनल मसल्स है या थोराकिक मसल्स है, ये आपस दे विच की करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिन्हों आपां कहने टर्गोस्टर्नल मसल्स की कहांगे टर्गोस्टर्नल मसल्स कहेंगे, एक करेंगे एक तो बाद में पहला कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इस तरह ही रेस्पिरेशन ते एक्सपायरेशन साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ते वध तो वध ऑक्सीजन की जिहड़ी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, क्लियर। इस तरह अपना जो रेस्पिरेशन कॉकरोच है, ठीक है, ये आप खत्म कर देना, ठीक है।